अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मशाइम एंड टुडे माय टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। मैम प्रोलॉग के बारे में? हाँ सब बताएंगे। प्रोलॉग क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, प्रोलॉग एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जो हमें किसी भी नॉवल, किसी भी ड्रामा, किसी भी स्टोरी से पहले जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन दिया जाता है वो प्रोलॉग कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल है अ फैंटेसी। प्रोलॉग आ गया तो फिर एपिलॉग क्या है? एपिलॉग स्टोरी के एंड वाला होता है। एपिटाफ क्या है? मिड में दे। एपिटाफ लिख लें, सर्च कीजिएगा। दिस इज द वे यू लर्न। एक नई चीज आई आपको नहीं पता, कहीं नोट डाउन कर लें, घर जाएंगे सर्च करेंगे, बहुत सारे नॉवेल्स हैं एपिलॉग। जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये इंग्लिश पीरियड में राइट किया गया था। इंग्लिश पीरियड से क्या मुराद? मतलब मिडल इंग्लिश में मैम, जिसमें ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच मतलब यूजुअली वी डिवाइड चॉसर्स वर्ड इनटू थ्री पीरियड्स, लैटिन पीरियड, फ्रेंच पीरियड, ओल्ड इंग्लिश। और ये लास्ट पीरियड है, लास्ट वर्क भी है। हालांकि ही हैज रिटन वॉल्यूमिनस, बहुत काम किया चॉसर ने, वॉल्यूमिनस काम है चॉसर का। बट द कैंटरबरी टेल इज, यू कैन, कैंटरबरी टेल इज एक्चुअली द मैग्नम ओपस ऑफ द चॉसर व्हिच हैज मेड हिज नेम इमॉर्टल। बेसिकली इंग्लिश में एक ही पोएम लिखी है और सबने वही कमाल लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चॉसर जो है इन इट्स फुल ओरिजिनलिटी नजर आते हैं, कि बाकी जो फ्रेंच और लैटिन पीरियड वो उस उधर हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस नजर आ रहे हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस हैं या ट्रांसलेशंस हैं। इट वाज नॉट जेन्युइन, जेन्युइननेस जो है लिटरेचर की या खुद राइटर की अपनी, वो हमें इसके इंग्लिश पीरियड नजर आती है। यहाँ पे इंग्लिश पीरियड से मुराद 14th सेंचुरी का पीरियड नहीं है, बल्कि चॉसर की अपने लिटरेरी कैरियर का इंग्लिश पीरियड। चॉसर ने बुकेशियो से इंस्पायर होके ये कैंटरबरी, आप बताएं, प्रेजेंटेशन आपकी है। मैं हमेशा कहती हूँ, व्हेनेवर यू हैव कम टू प्रेजेंट यू हैव टू स्टैंड बाय, स्टैंड विद योर वर्ड्स। आपका एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर, ठीक है। बुकेशियो कौन है बताए जी? शाबाश, यहाँ से इटालियन मास्टर। और बोगैशियो ने इस किस्म की किसी प्लान के साथ एक पोएम लिखी थी, उससे इंस्पायर होके, क्या नाम था उसका, ठीक है, फिर उससे इंस्पायर होके चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी। Inspiration as far as the plan is concerned is to Boccaccio, but the treatment is quite original. इनकी treatment जो है वो बहुत ही ज़्यादा Chaucerian, किसी prologue ही बना Shakespeare और Milton के साथ जाएगा। Exactly, they say that after Shakespeare, Dickens, and Chaucer, these three literary figures have given English literature so rich, so lively character that no one has ever surpassed. कितने हैं? एक तो डिकेंस को माना जाता है, चॉसर को माना जाता है और शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। चलिए अब इसमें कैरेक्टर्स की बात हो रही है, कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे थे। जो फिर चॉसर कहते हैं कि इसमें 32 कैरेक्टर्स थे, जो कि 29 कैरेक्टर्स थे और 30 खुद नरेटर था, और इसमें 31 जो था होस्ट हैरी बेली था, और जो आई थिंक 31 कैरेक्टर्स हैं टोटल, 31 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, नरेटर समेत 30 ये इनके मौजूद थे। एक बंदा इन्हें रास्ते में मिला, आई थिंक यो वाज लेटर जॉइन कर दिया। जी जी, यो मैंने लेटर जॉइन किया था। आप बोलते हैं मैम, वो जी कुछ जगह पर 32। अच्छा चलिए, हम बुक में देख लेंगे। चलिए व्हाट इज द जनरल प्लान? जनरल प्लान क्या है? देयर आर फ्यू पिलग्रिम्स हु हैव गैदर्ड देयर इन एन इन, दे आर रेजिडिंग ओवर देयर एंड दे आर मेंट टू गो फॉर अ पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी।
ठीक है, देयर इज अ श्राइन ऑफ सेंट थॉमस ऑफ बेकेट, ठीक है, ये यहाँ वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं उसके लिए। अब आप प्लान की खूबसूरती देखो, ये जो इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की है। नाउ राइटर वांटेड टू क्रिटिसाइज और टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी स्ट्रेटा ऑफ लाइफ ऑफ सो 14th century सोसाइटी। 14वीं सदी के हर स्ट्रेटा पर वो बात कर रहा है। अब वो सारे स्ट्रेटा कहाँ से लाएगा? तो ये जो इनकी एक 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 आप कह लें प्लॉट है, इसमें बहुत अच्छे से जो राइटर का ऑब्जेक्टिव था वो बहुत अच्छे से फिट इन हो। क्यों? क्योंकि मतलब पिलग्रिमेज एक ऐसा एक्ट है जो कि हर कोई ही करता है, चाहे वो बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा से हो चाहे वो अपर हो, सभी जा रहे होते हैं, ठीक है, और सभी मिल के जा रहे होते हैं। अदरवाइज तो जनाब नोबिलिटी कहीं है तो शिवलिनी कहीं है, ये मिलते तो नहीं है ना। बट इन दिस केस दे कैन बी टुगेदर एंड व्हेन दे आर टुगेदर द राइटर कैन ऑब्जर्व देम एंड ही कैन राइट एवरीथिंग अबाउट देम, ठीक है। तो हमें प्रोलॉग इसलिए भी बहुत ज्यादा ये जो पूरा जनरल प्लान है प्रोलॉग का, ये बहुत ही डाइवर्सिटी की तरफ राइटर को एक एक्सेस देता है और फिर ये बहुत रियलिस्टिक होता है। बिफोर चौसर्स कैंटरबरी टेल आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वाज द फैशन ऑफ दैट पॉइंट दैट डे दैट पीपल यूजुअली टुक ड्रीम एलेगरी एज अ इजी टूल। ड्रीम एलेगरी यूजुअली उठा लेते तो वो इजी टूल था। इजी टूल आप ड्रीम में जहां मर्जी घूमते फिरे तो रीडर जो उसको एक्सेप्ट करने पे मजबूर है ना इस चीज को। लेकिन यहाँ इन्होंने रियलिस्टिक सिचुएशन बनाई जो कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ दिस क्लीन पीरियड करिए इसके अंदर रीडर के लिए। रीडर इज क्वाइट कन्विंस्ड कि हाँ भाई इनमें हर शख्स जो है वो मौजूद हो सकता है एंड फ्रॉम दिस वेरी प्लान द राइटर हैज गेन एक्सेस टू द वेरी कोर ऑफ सोसाइटी। उसे हर स्ट्रेटा का बंदा वहां मिला तो ही वुड पोर्ट्रे अ पिक्चर गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी। वहां पे जनाब रिलीजियस पीपल हैं, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी से लोग हैं, वहाँ शिवलरी से लोग हैं, वहाँ जनाब मर्चेंट्स हैं, वहाँ मतलब जो वीवर्स हैं जो हाथ से काम करते हैं, वहाँ पे बैगर्स हैं, देन वहाँ पे जनाब स्टूडेंट्स हैं। ईच एंड एवरी वॉक ऑफ सोसाइटी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी इज वेरी मच रिप्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट। That is the beauty of the plan. A kind of genius plan it was. Each pilgrims represent a different social class, occupation or personality. इसमें सबसे पहला character है हमारे पास knight. Now you should know that the line she has used is that each pilgrim represent different personality and a class. The characters which Chaucer has drawn are individual as well as typical. इंडिविजुअल भी है उसके कैरेक्टर और टिपिकल भी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक ही कैरेक्टर इंडिविजुअल भी है टिपिकल भी है, इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या होता है? ये सब ही अपने अंदर से निकाला गया है। जैसे मर्चेंट अपना पोजीशन अलग रखते रहता है ना, पोजीशन अलग है, द मर्चेंट अलग है, द कुक अलग है, सबके अपने अपने खास है। टिपिकल मतलब टिपिकल मतलब सबके अपने ट्रेड्स एंड क्वालिटी, सबकी अपनी क्वालिटीज है तो वो तो इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं कोई बताए? कौन से ट्रेट्स ऐसे हैं जो आप में इंडिविजुअल? आप में से एक कैरेक्टर उठाऊं मैं और उसको अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो व्हाट शुड बी द इंडिविजुअल, व्हाट्स योर नेम? अफशा का कैरेक्टर हम स्केच कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट कुड बी द इंडिविजुअल ट्रेट्स? बताए ना, शाबाश, हम स्केच कर रहे हैं ना। पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर वो बहादुर है या दैट्स गुड, ठीक है। समथिंग व्हिच इज वेरी मच स्पेसिफिक टू हर पर्सनालिटी अपीयरेंस, बट व्हेन इट कम्स टू अपीयरेंस देन इट्स बिकॉज़ आप ही जैसा यूनिफॉर्म पहना, ठीक है, आप ही की क्लास को रिप्रेजेंट करें। ट्रेड की बात करें तो देखें, जब भी कैरेक्टराइजेशन की जाती है तो वी बिल्ड कैरेक्टर बाय गिविंग हिम डिफरेंट ट्रेड्स, वी एक्सपोज दैट कैरेक्टर बाय हिज एक्शंस और बाय हिज वर्ड्स, डायलॉग्स और एक्शंस उसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कैरेक्टर जो होते हैं दे आर वेरी मच अनटू देमसेल्फ, और ही मतलब आप उनकी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द होल क्लास,
वो अपनी क्लास से या उसकी टिपिकल जो एक आप कह लें ऑरा होता है उस कैरेक्टर के गिर्द, वो रिप्रेजेंट नहीं करते. टिपिकल और इंडिविजुअल का फर्क ऐसे समझे, इंडिविजुअल्स आर दैट ट्रेट विच आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लास टू विच दैट कैरेक्टर बिलोंग्स. ठीक है, जैसे इसी की बात करें, अफशा की बात, तो अगर हम इसके इंडिविजुअल ट्रेट्स देखेंगे तो इसके क्लास के मार्क्स इंडिविजुअल हो सकते हैं. ठीक है, या अगर आप अपीयरेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब उसकी हाइट छोटी है, या ऐसे बताने की कोशिश करें तो साइज की तरह छोटी बच्चे तो बहुत क्यूट लगती है. ठीक है, या ये कहोगे देयर इज अ मोल ऑन हर चीक. ठीक है, मोल है, आप में से किसी के पास नहीं है ना, ओनली शी वाज़ पॉइंट इंडिविजुअल ट्रेट. तो अगर कोई आएगा यार कोई लड़की उसका नाम मुझे नहीं पता उसके यहाँ पे एक मोल है, तो आप फौरन से पहचान जाएंगे, हाँ अफशा होगी उसके चेहरे पर यहाँ मोल, दैट इज इंडिविजुअल ट्रेट. ठीक है, बट व्हेन आई स्केच अ कैरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर क्लास, अगर मैं एक ऐसा कैरेक्टर बना रही हूँ जिसको मैं क्या करना चाहती हूँ कि वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो फिर अगर मुझे ये क्लास रिप्रेजेंट करनी है तो मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, उसका पर्टिकुलर ड्रेस होगा जो कि बता रहा होगा कि जनाब ये इस क्लास से, उसका रिबन जो है ये रिबन बता रहा है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास जो है रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो ये चीजें जो क्लास हो कैरेक्टर के अंदर लेकिन अप्लाई किस पे हो रही है, पूरी क्लास में दोस कैरेक्टर्स आर कॉल्ड टिपिकल कैरेक्टर्स. जैसे चलो और अच्छी एग्जांपल आए, समझे हमारे यहाँ कुछ कास्ट होती है जिनके साथ कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपनी दोस्त को कहें तुम्हारी बर्थडे या तुमको ट्रीट दो वो ना दे तो तुम बोलोगे क्या शेप हो क्या, दैट इज टिपिकल ट्रेट. ठीक है, ये टिपिकल ट्रेट है किसी पर्टिकुलर क्लास से, कोई बहुत लड़ता होगा तो भाई कुरैशी हो क्या, इतना कुरैशी करते होती है तो नहीं कोई मैं सीरियस राइव की तरफ बात नहीं कर रही, महाजनों को ज्यादा जगह क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में कमी होंगे महाजन. No, don't take it personally. हम चीजों को समझने की कोशिश करें, मैं खुद महाजन हूँ. ठीक है, समझ आ गई है. तो ये होते हैं क्या टिपिकल फेस, या जैसे मैं पठान लगती नहीं हूँ एक अलग बात है लेकिन मैं हूँ भाई का, तो लोग पठानों को कहते हैं कि बेवकूफ होते हैं थोड़ा. Yes, सर फिर होते हैं थोड़ा रश, हाँ अगले वो कहते हैं. ठीक है, दूसरे लफ्ज में अखरोट होते हैं, रफ ड्राई. ठीक है, तो अब इतनी भी बेइज्जती ना करें. आपको पता है इंडो पाक में पूरी 1000 साल की हिस्ट्री है पठानों के रूल की, ऐसे तो नहीं रूल कर लिया उन्होंने आप लोगों को. ठीक है, तो ये टिपिकल ट्रेट्स हैं. ठीक, समझ आ गई. चलो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है वो है नाइट. नाइट इज द वन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर. अब नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेहतरीन किस्म का कैरेक्टर, बहुत ही पॉजिटिव लाइट में इसको पोर्ट्रेट किया हुआ, कोई शिकायत नहीं है, किसी किस्म का कोई आयरनी यूज नहीं की हुई, कोई ह्यूमर यूज नहीं किया, सीरियस कैरेक्टर है, दैट अ नाइट शुड बी. जैसा कि और ये नाइट के नाइटहुड एज एन इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. शिवेलिक ऑर्डर जो है इट्स अ काइंड ऑफ वेरी इंस्पिरेशनल ऑर्डर ऑफ द 14th सेंचुरी. आप हमारे यहाँ देख लेना, हम लोग भी तो पाक फौज को कितना एडमायर करते हैं. ठीक है, बहुत हम क्रिटिसाइज भी नहीं करने देते किसी को, बड़ी मोहब्बत या बड़ा एक तकद्दुस है हमें पाक फौज से, तकदीर जो है वो जुड़ी, तो सेम होता केस में दिया. बट व्हेन इट कम्स टू स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करें ना, स्क्वायर इज अ वेरी यंग बॉय, 17-18 साल का लड़का है, अभी अभी बेचारा स्क्वायर बना है, तो उसे बड़ा शौक है ना बहुत अच्छी अपनी बहादुरी दिखाने का, लेकिन वो एक लड़का भी तो है. ही इज इन हिज ब्लूम. अब इन यूथ की एक पर्टिकुलर साइकी होती है, उसको मुल्क के ऑनर से ज्यादा क्या अजीज है, अपनी महबूबा, दैट इज क्वाइट नॉर्मल. ठीक है, तो वहां हम देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर बहुत इंडिविजुअल भी जो है वो हमें नजर आ रहा है और बहुत टिपिकल भी नजर आ रहा है. वो टिपिकल नौजवान है
जो बेचारा सारा दिन इसी बात में परेशान रहता है मैं कैसे इम्प्रेस करूँ अपनी बंदी को, ठीक है, तो वो इसी बहुत लड़ता वड़ता भी है बहादुरी के साथ, इसलिए नहीं कि मैं अपना मुल्क बचाऊं बस ताकि वो इम्प्रेस करे, ठीक है। फिर हमारे पास यूमन है जो अनदर एक छोटा कैरेक्टर, नेक्स्ट क्लास बताए, ये शिमल क्लास है यहाँ पर खत्म हो गया। मॉन्क है दूसरा हमारा कैरेक्टर। फिर हमारे पास एक ऑर्डर है द अदर रिलीजियस ऑर्डर। रिलीजियस ऑर्डर में देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स लाइक मॉन्क, नश, फ्रायरेस एंड नंस, ठीक है, फ्रायरेस और नंस है, ये उसके साथ तीन नंस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रायर है, मिलर है, मिलर, मिलर एजेस में तो मिलर ठीक है। तीनों कैरेक्टर जो हैं बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर हैं विद फ्यू इंडिविजुअल ट्रेट्स, यस दे डू हैव इंडिविजुअल ट्रेट्स बट दे रिप्रेजेंट देयर क्लास वेरी मच वेरी स्ट्रॉन्गली। नाउ इन 14th सेंचुरी एज वी हैव गॉन थ्रू द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, मैंने आपको पढ़ाए थे कि चर्च किस तरह बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका था, तो सेम करप्शन सेम माल प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च व्हिच वाज वेरी मच कॉमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड बीन डेलिनेटेड थ्रू दीस कैरेक्टर्स, राइट, एंड इन कैरेक्टर्स के थ्रू बेसिकली चर्च को टारगेट किया है एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऐसा नाइट है उसको होना कैसा चाहिए लेकिन वो है किस तरह का, वो इतना मोटा है, गंजा है और उसकी आंखें चमकती हैं, बड़ा मजे का कैरेक्टर है। यस मैम, देखा है आपने, पढ़ा है, पढ़ा है यही ना, ना यही रेड कलर की ब्रीड। अच्छा हमारे मेरे प्रोजेक्ट में कहाँ नहीं लगा होगा ये कैरेक्टर्स मैंने बना के लगवाए। यस मैम, कैंडल बनेगा अभी भी लगा है। यस अच्छा आप ये प्रेजेंटेशन ओवर करें, ऐसे करते टाइम बताएं इसको स्टॉप करते कल कंटिन्यू करेंगे।